अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अख्तर एक नई वीडियो के साथ वीडियो का आगाज़ करते हुए ट्राली मरम्मत के लिए आई है। हम इसको मरम्मत करता हुआ दिखाएँगे आपके लिए, आपके सामने देखें। बैक साइड पे ये देखिए आपके सामने, यहाँ से दरमियान में से देखे काब हो चुका है सब कुछ। इसको नया लगाएंगे, दोनों साइड फर्श भी नया लगाएंगे आपके सामने। ये देखें आपके सामने फर्श बिल्कुल बैठ चुका है इसका, जगह जगह से जो जादू का फासला ज़्यादा था नीचे से, इसलिए चादर भी हल्की लगी थी, जगह जगह से ये बैठ गई है। ये शैडो की हालत है, जगह जगह से ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसका हिस्सा भी इतनी जगह पर नहीं लगा हुआ, फैसल हिस्सा काटते हुए इसको काट के इसकी असल जगह पे लगाएंगे। ये कम से कम यहाँ से 9 इंच पीछे जाएगा। बनाने वाले ने इसको आगे लगा दिया था, ये आपके सामने इस काट के नहीं लगाएंगे। ये आपको इस तरह लगेगी जैसे बिल्कुल नई ट्राली होगी। ये देखिए सड़े बिल्कुल खराब है, जहाँ से बैठ होगी सड़े आपको काट के दोबारा शुरू कर देंगे। साइड पे इसके ड्रो हुआ टेढ़ी हो चुकी है, ये भी चेंज करेंगे। ऊपर से आप देखें खत्म हो चुका है। आपके सामने देख रहे हैं, आपके सामने काफ़ी जो दूसरी साइड आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद आप क्या क्या हुआ इसके साथ। कि हमने इसकी सैडे काट के, ये हमने इसकी सैडे काट के नीचे गिरा दिए। ये फर्श को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम। पहले ही हिस्सों में काट दिए, देखो ये बैंड था वहाँ से हमने चादर को काट दिया, बिल्कुल डाले सीधे करके लगाएंगे। फर्श की चादर उतारेंगे, गाड़ियाँ उतार के बिल्कुल और गाड़ियाँ लगाएंगे। ये एक पीस चादर का हमने निकाला, दरमियान में से बका हिस्से के टुकड़े करके रखे हुए हैं, फिर इनको निकालेंगे आस्ते आस्ते। हमारी वीडियो, हमारा काम अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दोबारा मत भूलना ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमने फर्श उतार दिया, गाड़ी उतार दी है, तो बिल्कुल इसको साफ़ सुथरा कर दिया जनाब। ये इसकी कैंची है जैक वाली, जिससे ट्राली खुलती है। ये आपके सामने ये जनाब चेक कर, इसको भी सेट करेंगे, अपनी जगह पे लगाएंगे। ये बिल्कुल ऊपर से साफ हो चुकी है, ये ट्राली तैयार होगी तो ये पता ही नहीं लगेगा कि ये वही ट्राली है या और नहीं बनाई है हमने। ये हिस्सा भी काट दिया, ये पिन्ने वगैरह सब नहीं लगाएंगे। जैक को भी और नीचे लेके जाएंगे। देखो हमने ऊपर इसके ऊपर गाड़ियाँ लगानी शुरू कर दी हैं, दो बार भी नहीं लगाई हमने। ये इसको फ्रंट साइड है जनाब ट्रैक्टर वाली, एक क्रास नया लगाया, ये जैक वाला फिनिशिंग नीचे लेके गए हैं, पहले ऊपर लगा हुआ था। दो बार के ऊपर दो बार टीडी हो जाती थी, अब उसकी बैक साइड पे लगाया। जो जनाब इसकी बैक साइड पे चैनल नहीं था, अभी हमने चैनल लगाया।
करते हुए वेट मशीन को। फैसल ने पीछे चैनल लगाया था उसको सपोर्टर लगाते हुए ताकि पीछे से धक्का लगा तो चैनल अक्सर टेढ़ा हो जाता है। अभी सपोर्ट लगेगी, चैनल टेढ़ा नहीं होगा आगे और पीछे। चारों तरफ सपोर्टर लगाएंगे हम, इससे अगले बैक साइड चैनल की मजबूती में इजाफा होता है। बाज़ अगर ट्राली फंस जाए तो दूसरे ट्रैक्टर के धक्का लगाने की वजह से अक्सर चैनल टेढ़े हो जाते हैं यहाँ से। ये अब चैनल टेढ़ा नहीं होगा, इसका मजबूत हो जाएगा। फैसल सपोर्टर लगाते हुए ये गेट को हम नीचे ले गए हैं, ये आपके सामने डिशन को पहले बहुत ऊपर था, अब नीचे ले गए हैं, बिल्कुल सही शेप में आ गया। इसको बिल्कुल टेपर शक्ल में होना चाहिए। ये जनाब इसके ऊपर हमने गाड़ियाँ रखी, गाड़ियाँ लगाना शुरू कर दी। इसकी एक तरफ डोरी बांध के इसकी लाइन सीधी की गई है। फैसल गाड़ियाँ लगाते हुए उसको टचिंग करते हुए शबाज साहब घूमते हुए प्लान देखे बिल्कुल रियली सीधी हो चुकी है। मोहम्मद फैसल गाड़ियों को सीधा करके लगाते हुए देखिए इस तरफ से डोरी की लाइन देखे बिल्कुल सीधी हो चुकी है। जनाब हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे वीडियो के बारे में हमें गाइड जरूर करते रहा दीजिएगा तो हमें वीडियो तो मज़ीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं। मैं क्योंकि साथ साथ काम भी करना होता है, साथ साथ वीडियो भी बनाता हूँ, इसलिए कुछ जगह मिस हो जाती है। ये दरमियाना लीजिएगा, यहाँ पर हिस्सा लगेगा, टायर लगेंगे, इसकी पटियाँ लगाते हैं, इसके दरमियान में भी काटने लगेगी। फैसल गाड़ियाँ सेटिंग करते हुए दरमियान में रखी थी, उनके पेमाइश बराबर करते हुए शेड का निशान लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ पेमाइश करेंगे। ये साथ में सीधी करके अब टूच लगाएंगे इसको, ये देखिए सीधी करते हुए मैं दूसरी तरफ से पेमाइश करते हुए फैसल पहले एक साइड को सीधा किया फिर दूसरी साइड को। गाड़ियाँ लग चुकी हैं जनाब, साइड पट्टी भी लग दी, यहाँ पे हिस्सा आएगा जिसके लिए जगह छोड़ी है, ये साइड पट्टी भी हमने लगा दी इसकी। आपके सामने दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश करूँगा कि बिल्कुल सीधी है कि नहीं है। ये इस तरफ आएंगे, ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर फर्श लगने के बाद साइड लगेगी। ये दरमियान में कैंची लगी हुई थी वहाँ पे हाफ कार्ड्री लगाइए। घूम के उसकी बैक साइड पे आ गया हूँ मैं ना चलाई। जनाब इसके ऊपर चादर हमने डाल दी है, इसको मोहम्मद फैसल के साथ है मुनव्वर मीरानी, ये वसीम नीचे से वर्णन करते हुए माजिद मुगली चादर को ऊपर से दबा के बैठे हुए हैं ताकि चादर गाड़ियों के साथ बिल्कुल बैठ जाए। ये आपको नीचे से नज़र आ रहा होगा गाड़ियों के साथ फर्श को वेल्डिंग करते हुए चादर लगाई है इसके ऊपर। माजिद मुगल साहब चादर को ऊपर से दबा के बैठे हैं क्योंकि इसलिए दूर बैठे हैं ताकि साथ में झूले भी ले रहे हैं। चादर
रखी, इसलिए हमने ये गाड़ी को पीस लगा के एक स्पोर्ट बनाई, इसके ऊपर बैठते हैं हम। लेकिन आप इसकी साइडें लगा लग चुकी है, अब फर्श लगाने के बाद हमने इसकी साइडें लगाई हैं आपके सामने। मनोवर मुगल ग्रीस करते हुए मनोवर निरामी ग्रीस करते हुए, पहले मैंने इनका नाम गलत ले लिया था। ये देखो साइड वही हैं, काट के हमने नीचे इसके पीस डाला, यहाँ से पीस कर ले हुए तो वो हमने साइड पे कर दिए। इन साथ इसको ग्राइंडर मारते हुए तो इसकी सफाई करते हुए, क्योंकि ये पैनल मरहल में इसके बाद रंग पे जाएगी। ये आपके सामने बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डिग्री लगेगा तो नज़र आ रही है, हमने साइड पट्टी लगाई थी, उसको काट के गोल कर दिया ताकि टायर लगने का अंदेशा ना हो। ये नीचे से आपके सामने यहाँ से हमने उसको काटा है, ये गुलाई में टायर की शेप में, ताकि टायर बासानी खोला और फिट किया जा सके। एक दफ़ा फिर बैक साइड दिखाने की कोशिश करते हुए ये देखिए टंग होकर मुकम्मल तैयार हो चुकी है, अब जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मशीन उसका स्टैंड लगाते हुए ये आपको वहाँ के एक दफ़े फिर तैयार होने के बाद दिखाते हैं। अब पेंट हो चुकी है, अब आप मुनव्वर मिरानी स्टैंड तैयार करते हुए ट्राली का। ये इसकी बैक साइड है जनाब, पास इसको लेके आया हूँ ताकि आप इसको देख सकें स्टैंड को हेडलिंग करते हुए। ये वही ट्राली है जो बिल्कुल कबाड़ की शक्ल में थी, अब आप देख लें बिल्कुल न्यू हो चुकी है। बैक साइड पे डाला भी लगा दिया हमने, ये इसके कुंडे लगाए हैं, कुंडा ऊपर करो जैक खोलते हुए ये खुल जाएगा डाला ऑटोमेटिक वापसी, ये इसको बंद कर सकते हैं। ये कुछ टायर लग गया था, टायर भी फिट हो चुके हैं। आप भी देखिए वही ट्राली है जो मैंने शुरू से दिखाई थी। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के बारे में अपने तासरात देते रहना। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसको लेवल किया ट्रैक्टर के पीछे ताकि उलार और दाबू ना हो। ये इसकी हमने लाइन फिट कर दिए, ये ड्राइवर साहब ये लाइन आपके सामने फिट हुई है, ये इसके ड्राइवर हैं जनाब, पाइप लाइन फिट करते हुए हाथों को साफ करते हुए। देखिए अब फर्श भी साइड भी रंग हो चुकी है। इसके साथ जनाब अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखना नेक्स्ट वीडियो तक, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी पेश करें आप साथ, बैरंग नंबर भी ऊपर लिखे हुए हैं जनाब। सलाम वालेकुम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।